Hello everyone, welcome back to our YouTube channel CCA Academy. So today we will discuss biology test series part 5. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम बुक रिटन बाई रॉबर्ट हुक इन विच ही एक्सप्लेन डिस्कवरी ऑफ द सेल. तो क्वेश्चन बोला गया है कि रॉबर्ट हुक ने कौन सी बुक लिखी है जिसमें उसने डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में एक्सप्लेन किया है. ऑप्शन है यहाँ पे रॉबर्टिस सेलुला ई सेलुला, ऑरिजिन ऑफ साइटोजेनेसिस, माइक्रोग्राफिया, नन. तो राइट आंसर रहेगा माइक्रोग्राफिया. माइक्रोग्राफिया एक बुक लिखी थी रॉबर्ट हुक ने जिसमें उसने डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में एक्सप्लेन किया था. नाउ अवर सेकेंड क्वेश्चन इज कॉर्पस कॉलेजम इज फॉर्म्ड बिटवीन. जो कॉर्पस कॉलेजम है वो किसके बीच में बनता है. ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पे ओवरीज, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, वेंट्रिकल्स और किडनी. तो ये जो कॉर्पस कॉलेजम है दिस इज फॉर्म्ड बिटवीन सेरेब्रल हेमिस्फीयर. सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में बनता है, हमारे दिमाग की बात है एक तरह से. जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर उसके बीच में बनता है कॉर्पस कॉलेजम. ठीक है, नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स इज. कि एनिमल्स में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सी है. ऑप्शन है यहाँ पे इंसुलिन, रूबिस्को, हेमोग्लोबिन, कोलेजन. तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा कोलेजन. जो कोलेजन है दिस इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन एनिमल्स. उसी तरह अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में रहेगी रूबिस्को. रूबिस्को इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन प्लांट्स. रूबिस्को की फुल फॉर्म होती है राइबुलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैमेज ओजोन लेयर सिचुएटेड इन. कि जो ओजोन लेयर डैमेज होती है वो किस इरा में सिचुएटेड है, मतलब किस लेयर में सिचुएटेड है. ठीक है, तो दिस इज स्ट्रेटोस्फीयर, आइनोस्फीयर, मेसोस्फीयर या ट्रोपोस्फीयर. तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा स्ट्रेटोस्फीयर. जो ओजोन लेयर है वो कहाँ पे सिचुएटेड होती है, डैमेज्ड स्ट्रेटोस्फीयर. ठीक है, नाउ अवर फिफ्थ क्वेश्चन इज साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन सिंथेसाइजेस. कि जो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होती है वो क्या सिंथेसाइज करती है. तो ऑप्शन है यहाँ पे एटीपी एंड एनएडीपीएच, ओनली एटीपी, एटीपी प्लस एफएडीएच2 या नन ऑफ दीज. तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ओनली एटीपी. कि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है या फॉस्फोराइलेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ एटीपी ही सिंथेसाइज करती है. और अगर आपसे पूछा जाए नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन क्या सिंथेसाइज करती है, तो जो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है वो सिंथेसाइज करती है एटीपी प्लस एनएडीपीएच. ठीक है, नाउ अवर सिक्स क्वेश्चन इज एरिया ऑफ रेटिना विच डू नॉट हैव रॉड्स एंड कोन्स. ऐसा एरिया बताइए जहाँ पे रॉड्स एंड कोन्स नहीं होते हैं. ऑप्शन है यहाँ पे येलो स्पॉट, रेड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट या ब्लू स्पॉट. तो राइट आंसर रहेगा ब्लाइंड स्पॉट. ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा एरिया है जहाँ पे रॉड्स और कोन्स नहीं फॉर्म होती हैं एक तरह से. ठीक है, होती नहीं है वहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिशेस रेड लिस्ट ऑफ स्पीसीज. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए जो क्या पब्लिश करती है, रेड लिस्ट ऑफ स्पीसीज. ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पे IUCN, ICFRE, UNEP और WWF. तो राइट आंसर रहेगा IUCN. IUCN जो है ये पब्लिश करती है रेड लिस्ट ऑफ स्पीसीज, मतलब एक तरह से रेड डाटा बुक जो है पब्लिश किसके द्वारा हुई है, IUCN. IUCN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स. ठीक है, नाउ अवर एट्थ क्वेश्चन इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्योर वाटर. जो प्योर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है. ऑप्शन है यहाँ पे 1, 0, लेस देन 0 या 100. तो याद रखेंगे जो प्योर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है दैट इज 0. ठीक है, नाउ अवर नाइन्थ क्वेश्चन इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई. सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी है ह्यूमन आई की. ऑप्शन है यहाँ पे कोरोइड, कॉर्निया, स्केलरा और रेटिना. तो याद रखेंगे कि जो रेटिना है दैट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अ ह्यूमन आई. रेटिना सबसे इनर मोस्ट लेयर है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन है नेम कैनाल दैट पासिस थ्रू मिड ब्रेन. ऐसी कैनाल का नाम बताइए जो मिड ब्रेन से पास होती है. तो ऑप्शन है यहाँ पे कॉर्पस कॉलेजम, कॉर्पस क्वाड्रीजेमा, सेरेब्रल एडिक्डक्ट और सेरेब्रल कैनाल. तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा सेरेब्रल एक्विडक्ट. ये जो सेरेब्रल एक्विडक्ट है दैट पासिस थ्रू मिड ब्रेन. क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन. ठीक है, तो ये जो सेरेब्रल एक्विडक्ट थी ये कहाँ से पास हो रही थी, ये हमारे मिड ब्रेन से, मिडल वाले पोर्शन से पास हो रही थी. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू.